वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्लास 8th में जीके यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है मैरीन लाइफ। इसमें देख रहे हैं बहुत सारे आपको एनिमल्स यानी जीव जंतु दिख रहे हैं। देखिए, उसके बारे में बताता हूँ। समुद्र में रहने वाले एक समुद्री जीवों के आकार, रंग अलग अलग होते हैं। वे अपने परिवेश के अनुकूल हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोले तो मछलियाँ, इनको बर्फीले पानी में, तटीय क्षेत्रों में, समुद्र की सतह पर और समुद्र की तलहटी में प्रवाल भित्तियों के रहने के लिए अनुकूल किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर देखेंगे ब्लोब फिश दिया हुआ है। ब्लोब फिश जो है, तो यह फिश सबसे अजीब दिखने वाला समुद्री जीव है। यह जैसा दिखता है वैसा ही आलसी भी होता है। यह बड़ी मुश्किल से किसी भी ऊर्जा का विस्तार करता है। यहाँ तक कि भोजन करते समय यह केवल ऊपर उठता है और कुछ भी नहीं होता है। देन सेकंड नंबर जो है क्रिसमस ट्री आपका है। तो क्रिसमस ट्री क्या है? क्रिसमस ट्री वर्म ग्रेट बैरियर लीफ के छिपकली द्वीप पर पाया जाता है। यह एक ट्यूब में रहता है। अगर इसकी धमकी दी गई है तो यह पेड़ की तरह के मुकुट को वापस ले सकता है। इसकी सर्पिल शाखाएं वास्तव में इसके श्वास और खिलाने वाले अंग हैं। थर्ड नंबर क्या है? फ्लेमिंगो जीव, घोंघा। क्या दिया है? फ्लेमिंगो जीव घोंघा जो है, स्नैल जिसे जोंक बोलते हैं, जो कि हम जगहों पे दिखती है जो बरसात में, वही चीज़ है। फ्लेमिंगो जीव घोंघा में तेज तर्रार रंग है। इसके सभी रंग इसके शरीर के कोमल हिस्सों में आते हैं, जो इसके खोल को तब तक ढकते हैं जब तक कि इसे खतरा ना हो। नेक्स्ट फोन नंबर क्या है? लीव्स ए ड्रैगन। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर पाया जाता है। यह न केवल पानी के माध्यम से बल्कि बहती समुद्री शैवाल के एक टुकड़े के समान छालावरण के रूप में आने वाले पंखों का उपयोग करता है। देन फिफ्थ नंबर जो है, तो वीनस फ्लाईट्रैप। यह मैक्सिको की खाड़ी में पाया जाता है। जेलीफिश से संबंधित है, उसी के नाम के फूल से अपना नाम प्राप्त करता है। सिक्स नंबर जो है, तो लॉन्ग हॉर्न काउफिश। यह एक ओवर क्राफ्ट की तरह दिखती है। जो वह अकेले अकेले घूम रहा होता है और अपनी त्वचा में इसलिए स्वास्थ्य से विषैला विष बाहर निकल जाता है। देन सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड चैप्टर में देखेंगे यहाँ पे आपको टाइगर दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको हनी बीज दिख रही है यानी मधुमक्खियाँ दिख रही हैं। फिर यहाँ पे पोलर बियर दिख रहा है आपको। यहाँ बाइबल स्टोरी ऑफ जॉन दिख रहा है। तो इसकी देखिए पौराणिक घटना विश्व का पशु लैटिन से आता है। जैविक परिभाषा में राज्य एनिमला के सभी सदस्य शामिल है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कई प्रजातियाँ दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के साथ गहराई से जुड़ी होती हैं। इनमें से कुछ इस अध्याय में दिए गए हैं, तो हम आइए देखते हैं क्या क्या है। तो भारत के पहला नंबर है, भारत के सुंदरबन क्षेत्र में कुछ लोगों को मानना है कि बाघ पीछे से हमला करते हैं। तो आप अपने सिर के पीछे एक चेहरा दिखाते हुए एक मुखौटा पहनकर इसे रोक सकते हैं। निर्भय हिंदू डी दुर्गा अक्सर बाघिन पर सवार होती हैं। सेकंड नंबर है, हनीस के संचार की एक गहन भावना विकसित की है। जब यह एक फोर्जिंग वर्कर अमृत और पराग का एक नया स्रोत पाता है, तो यह अन्य श्रमिकों के सामने छत्ता और नृत्य पर लौटता है। मधुमक्खी की गति अन्य मधुमक्खियों को बताती है कि भोजन किस दिशा में स्थित यानी मिलता है। साथ ही इसके छत्ते की दूरी भी है। यह एक गंध के पीछे भी निकलता है, जो वैज्ञानिकों को मानना है कि आगे की जानकारी प्रदान कर सकता है, जिसमें फीवर का प्रकार भी शामिल होता है, जो पोलर भालू को बुद्धिमान, शक्तिशाली और लगभग मानव माना जाता था। कुछ कीव दंतियों में अजीब ध्रुवीय भालू पुरुषों का उल्लेख है, जो कि इग्लू में रहते थे, सीधे चलते थे और बात कर सकते थे। इसे व्हील द्वारा निगल लिया गया था। इस विशाल स्तनपाई का सही आकार होने पर लगभग विषैली विश्वसनीय लगता है। यह पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल इतनी विषैली न है कि इसका दिल एक छोटी बिल्ली के आकार का होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर है, थर्ड चैप्टर पे आते हैं। तो थर्ड चैप्टर में फिर देखें, थर्ड चैप्टर जो है, तो हाउ एनिमल एडॉप्ट है, मींस जानवरों को कैसे पाला जाता है। तो जानवरों को कैसे पाला जाता है, देखें, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी अनोखी आदतें होती हैं और इसके द्वारा अपनी जान बचा सकते हैं और खुद के लिए आसानी से बच भी सकते हैं। इनमें से कुछ जानवर उनके नाम और उनकी विशिष्ट विशेषताओं को नीचे दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है गीको। क्या नाम है? गीको।
गीको जो होता है यह एक छिपकली है। यदि कोई शिकारी इस जीव की पूंछ पकड़ लेता है तो इसकी पूंछ आसमान रूप से टूट जाती है, जिससे आसरा टूट जाती है। देन सेकंड नंबर जो है पोलर बियर, या ठंडे क्षेत्रों में रहता है। थर्ड नंबर है गिरगिट। क्या है? गिरगिट। गिरगिट जो होता है, गिरगिट अपने परिवेश में मेल खाने के लिए अपना रंग बदलता है और यह शिकार करने में मदद करता है और खुद को बचाने में भी। फोर्थ नंबर है कैमल। रेगिस्तान में रहता है जो बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर है क्या? एक बर्फीला उल्लू है जो बर्फीले क्षेत्रों में रहता है और इसे मोटी अतिरिक्त परत होती है एवं हवा की एक परत को फंसाने के लिए पंख फड़फड़ाता है। और सेवन नंबर जो है तो क्या है? वालरस। यह वालरस के पास बिल्कुल भी फर नहीं होता है, लेकिन शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए इसकी त्वचा के नीचे लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी परत होती है। देन एट नंबर है लिम्पेट। यह एक प्रकार की सेलफिश है जिसमें एक ज्वार पर इसके सूखने से रोकने के लिए एक मजबूत बाहरी मामला होता है और लहर द्वारा भी इसे तोड़ा जा सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर है रेन फॉरेस्ट एनिमल, यानी बरसात में कौन कौन से एनिमल्स ज़्यादा दिखते हैं। तो बरसात में देखेंगे आपको तो सबसे ज़्यादा पीकॉक। पीकॉक जो होता है तो वो बरसात में मौसम उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो बरसातों में उसको अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर जो है तो है नेक्स्ट नंबर है तो यह तूफान दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहते हैं और उनके पास एक लंबी रंगीन चोंच है जो उसके शरीर के रूप में लंबे समय तक मापती है। इस बड़ी चोंच का उपयोग फलों को लेने और खाने के लिए किया जाता है। इहर्स ने इनका गला काट दिया जो उन्हें खाने वाले कठोर अंडों और बीजों को फोड़ने में मदद करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है तो नेक्स्ट नंबर आपका आते हैं फाइव चैप्टर में क्या है? एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीजन। ये देख रहे हैं एनिमल्स कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो कोल्ड यानी ठंडी ठंडी जगहों पर रहते हैं, जहाँ बर्फ रहती है वहाँ पे आपके जानवर रहते हैं, जिनको सर्दियों में सर्दी के जो मौसम होता है जिनको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो सर्दियों में बर्फ में या सफ़ेद या भूरे और सफ़ेद पक्षी का मिश्रण होता है, गर्मियों में या भूरे रंग में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद ये सिक्स नंबर है तो सिक्स नंबर में प्लांट्स अराउंड दिया है। प्लांट्स अराउंड यानी हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ होते हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, जिनमें से पहला नंबर है लीवरवॉर्ट्स। ये इसकी असली जड़ें नहीं होती हैं, ये बाल जैसी संरचनाओं के आधार पर ज़मीन पर बधेर होते हैं जिन्हें राइजोटाइज कहा जाता है। फिर सेकंड नंबर पॉइजन दिया है। पॉइजन मीन्स ये जहर होता है, जहर का जो पेड़ होता है यह हानिकारक होता है, बेल या झाड़ी की तरह जो यह ज़मीन में फैला रहता है। देन थर्ड नंबर जो होता है थर्ड नंबर में क्या है यह अपने पत्तों तनों में आदि को पानी को संचय करने में सक्षम होते हैं एवं उन्हें पानी की कमी या सूखे से प्रभावित होने में जीवित रहने में मदद करता है। देन फोर्थ नंबर है गैंट केल्प। यह प्रशांत में पाया जाता है और सबसे लंबा समुद्री शैवाल है जो 200 फीट तक बढ़ सकता है। पचमा है लेंस पर चढ़ाई वाले पौधे होते हैं जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं एवं उनके पास लंबे तने होते हैं जो रस्सियों के रूप में नीचे लटकते रहते हैं। देन फिर नेक्स्ट नंबर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो आप जानते ही हैं जो एक फल है जिसे खाते हैं। फिर सेवन नंबर जो है बारहमासी, दो साल से है अधिकतर जीवित रहते हैं, दो साल से अधिकतर जीवित रहते हैं और ज़मीन के ऊपर स्थित इन पौधों के कई हिस्से पतझड़ के मौसम में मार दिया जाता है, लेकिन भूमिगत हिस्से में सर्दियों के माध्यम से बच जाते हैं और विकास नए सिरे से होता है और चक्र फिर से शुरू होता है। फिर सेवन नंबर में आते हैं, सेवन चैप्टर में जिसमें देख रहे हैं कुल फ्लावर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, जैसे आपका हिबिस्कस है, जैस्मीन है, एंड सनफ्लावर्स हैं, फैनल है, डेजी फ्लावर्स है, ये सारी चीज़ें तो आप खुद ही जानते हैं इसके बारे में। फिर एट नंबर पे भी देखेंगे कुछ पेड़ है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको कुछ पेड़ दिख रहे हैं जिसमें हैं
एक सिल्वर बूट्स है, एक डॉन रेडवुड है, एंड सैगो पाल्म है, एंड वेनस फ्लाइट रैफ है, एंड कॉटन कॉटस है, एंड ब्रस लिलीज हैं। ये सारे पेड़ पौधे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर हिबिस्कस जो है, सॉरी फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है तो यहाँ पे क्या है, डिफेंसिव मैमल्स। ये देखिए तीन या फोर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यानी एक जो है तो लेटेंट साइंस एंड डैमल्स, एंड जब शिकारियों द्वारा मौत को फैलाने की बात आती है वहाँ पे, तो ये स्तनपाई एवं टायरोबिक बेसिक दो प्रक्रियाओं से पसंद करते हैं। जब खतरे का सामना करना पड़ता है या भागने के लिए टोटमे मोल पर हमला करना पड़ता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है, यह जमीन तक सिमट कर रह जाता है, इसका मुंह खुला रहता है और इसके दांत निकल आते हैं, और यह अपने गुदा ग्रंथियों पर एक पोटरी लाश जैसी गंध भी निकालता है। क्योंकि अधिकांश शिकारी अपने शिकार को मारना पसंद करते हैं, वे जल्द ही एक स्पष्ट रूप से मृत व्यक्ति पर ब्याज लगाते हैं। सेकंड नंबर है, यह एक छोटा निशाचर अफ्रीकी सर्प पक्षी प्राइमेट है, जो अपनी धीमी चाल के कारण यह आसमान का यह आसानी से शिकार हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है तो पैम्पी स्पम व्हेल, एक छोटा समुद्री जानवर है जो केवल 1.2 मीटर लंबा है। यह शिकारियों के लिए सुरक्षित बनाता है एवं खुद को बचाने के लिए गुदा के माध्यम से लाल सिरप जैसे पदार्थों के एक जेट को निष्कासित करता है, और फिर पानी में एक बड़े काले बादल के गठन के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है। एक दिलचस्प रक्षात्मक चाल के रूप में जो इसे अंतिम संसाधन के रूप में उपयोग करता है, पूंछ में त्वचा बहुत ढीली है, और अगर इसका कोई शिकारी पूंछ की कृतंग पकड़ लेता है तो त्वचा बंद हो जाती है, जिससे वह बच जाता है। फिर उसके बाद देखें यहाँ से आपको चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद देखें वर्कशीट पर आते हैं। वर्कशीट में यहाँ आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है जो आपको फिल है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स सेकंड नंबर पे, ये भी आपको फिल दिख रहा है। पहले में रोजेज है, देन सेकंड में सैगो पाल्म, फिर उसमें पाइजमी स्पर्म व्हेल, एंड फोर्थ नंबर में स्ट्रॉबेरी है, फिफ्थ नंबर में वॉलरस, एंड ट्रू फॉल्स जो है तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स है। फिर उसके बाद मैच द फॉलोविंग, मैच द फॉलोविंग देखिए आपको लगा है, फर्स्ट का बी नंबर, सेकंड का सी नंबर, थर्ड का डी नंबर, एंड फोर्थ का फर्स्ट नंबर है। ठीक है, यहाँ से आपकी क्लास ओवर होती है। ओके, थैंक यू।